नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको जिला झज्जर भाग दो करवाएंगे। पहले इससे पहले हम जिला झज्जर से संबंधित एक भाग कर चुके हैं, जिसमें हमने झज्जर की स्थापना के बारे में बताया, कुछ एक उसके विशेष पॉइंट बताए कि भी झज्जर में क्या विशेष है, कब स्थापना हुई, किसके नाम से ज़िला बना था और उसके बारे में विशेष बातें। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए करते हैं झज्जर। तो सबसे पहले पता है आपको अपने चैनल का नाम सागर क्लासेस रोहतक। सागर क्लासेस रोहतक में आपका स्वागत है भाई। पहला पॉइंट नोट कीजिए, झज्जर जो है इसके बेरी नामक स्थान पर दो प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं भाई। पहली लड़ाई 1194 में जाटों और जॉर्ज थॉमस के मध्य हुई। जाट और जॉर्ज थॉमस आपस में लड़े, परिणाम लड़ाई का क्या रहा, जॉर्ज थॉमस की जीत हुई, इसमें जॉर्ज थॉमस जीते। दूसरी लड़ाई स्टूडेंट सिखों और मराठों की संयुक्त सेना के साथ हुई, किसकी, जॉर्ज थॉमस की। मराठों, सिखों और मराठों की संयुक्त सेना के साथ कौन, जॉर्ज थॉमस, तो इसके साथ में लड़ाई हुई, इसमें भी परिणाम क्या रहा, जॉर्ज थॉमस जीता। देखिए ये जॉर्ज थॉमस कौन था स्टूडेंट्स, इसके बारे में थोड़ा सा वर्बली आपको बता देते हैं। ये आयरलैंड का व्यक्ति था और अंग्रेजों के साथ जहाज में जिस किस तरह से ये आया था, इसको कुछ एक इतिहासकार लुटेरा बताते हैं, कुछ एक इसको भिखारी बताते हैं, लेकिन जिस किस तरह से जहाज में आया और ये मद्रास में उतरा, सेना की ड्रेस थी इसकी, एक सैनिक मान करके जो भारत में नवाब थे उन्होंने इनको सेना में भर्ती किया और फिर मद्रास से धीरे 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 यह है दिल्ली तक आ पहुंचा। तो 1794 में इसने लड़ाई लड़ी। और भाई दूसरी जो लड़ाई थी स्टूडेंट से वो 1700 इसके बाद लड़ाई लड़ी गई थी, वो 1798 या 1800 कुछ ऐसे में वो लड़ाई लड़ी गई थी। तो वहाँ पे ये यहाँ तक पहुँचा, इसको टप्पल की जागीर भी मिली। टप्पल जो उत्तर प्रदेश वाला हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र है, और फिर धीरे 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 इसने पूरे हरियाणा पर अपना कब्जा कर लिया। आसी में इन्होंने अपनी आसी में राजधानी बनाई, इनके ऊपर स्पेशल विशेष वीडियो बनाएंगे, उसके बाद में इसके इनसे संबंधित जानकारी देते हैं। फिलहाल आप इतना देखो, इसने दो लड़ाई लड़ी, पहली लड़ाई लड़ी भी 1194 में और जाटों और जॉर्ज थॉमस के मध्य, जॉर्ज थॉमस जीता। दूसरी लड़ाई सिख मराठों की संयुक्त सेना और जॉर्ज थॉमस के मध्य, इसमें भी जॉर्ज थॉमस जीता। तो नेक्स्ट है, इसमें एक जगह है भाई बहादुरगढ़, झज्जर में बहादुरगढ़ बताया था, सराफाबाद इसका पुराना नाम था। तो विश्व भर में पार्ले बिस्किट जो है, विश्व भर में पार्ले बिस्किट बहादुरगढ़ के प्रसिद्ध हैं, पार्ले बिस्किट बहादुरगढ़ में बनते हैं। नेक्स्ट, बहादुरगढ़ में सैनिटरी उद्योग और फुटवियर उद्योग भी इसका प्रसिद्ध है। सैनिटरी उद्योग और फुटवियर उद्योग भी 1880 में स्थापित हुआ था ये फुटवियर उद्योग यहाँ से। नेक्स्ट है जहाजगढ़ को जॉर्ज थॉमस, जिसने दो लड़ाइयाँ जीती थी, जहाजगढ़ को उन्होंने ही बसाया था, बाद में अंग्रेजों ने मिलकर के इसको यहाँ से भगाया और जॉर्ज थॉमस के जाने के बाद में नवाबों ने बहादुरगढ़ का नाम बदला था हुसैनगढ़, बहादुरगढ़ को हुसैनगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। एक झज्जर से रोहतक रोड पे गांव है दुजाना। दुजाना गांव में स्टूडेंट्स काजी की मस्जिद प्रसिद्ध है, ये भी इसमें एक प्रसिद्ध जगह है, काजी की मस्जिद। नेक्स्ट है अरावली सुपरताप विद्युत परियोजना। देखिए ये झज्जर से स्टूडेंट्स बता दें आपको, झज्जर से और मातन हिल की तरफ जाते हैं, मातन हिल से निकल के तो वहाँ पर ये सासरोली झाड़ली गांव में है अरावली सुपरताप विद्युत परियोजना, इसको इंदिरा गांधी सुपरताप परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है ये प्रसिद्ध है, पर्सन एचएसएससी पूछ चुकी है कि भाई अरावली सुपरताप विद्युत परियोजना या इंदिरा गांधी सुपरताप परियोजना कहाँ से स्थित है, झज्जर जिले में है। फिर हरियाणा की अब तक की जो दो मिस इंडिया बनी हैं भाई, हरियाणा में जो दो मिस इंडिया बनी हैं, दोनों की दोनों ही कहाँ से हैं, झज्जर से संबंधित हैं। एक तो कनिष्का धनखड़ 2011, एक मानुषी छिल्लर 2017।
मानो से छिल्लर 2017, कनिष्का धनखड़ 2011। नेक्स्ट हरियाणवी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जगत जाखड़, जगत जाखड़ जिनकी सुप्रसिद्ध फिल्म रही थी भाई 1984 में आई थी, हरियाणा की सबसे अधिक सुप्रसिद्ध फिल्म चंद्रावण। वैसे पहली फिल्म बता दें, पहली फिल्म हरियाणा की धरती थी और थोड़ी सी चलने वाली फिल्म थी हरफुल सिंह जाट जुलानी। लेकिन सबसे अधिक चलने वाली फिल्म थी कौन सी? सबसे अधिक चलने वाली फिल्म थी चंद्रावण, जिसमें अभिनेता थे जगत जाखड़, जो कि यहीं से संबंधित थे। नेक्स्ट देखें, प्रसिद्ध आर्य समाजी ये थे भाई आपके बस्तीराम, प्रसिद्ध आर्य समाजी बस्तीराम, आर्य भी जो आर्य समाज के प्रचारक थे, ये भी झज्जर से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रसिद्ध पहलवान बजरंग पूनिया, प्रसिद्ध पहलवान बजरंग पूनिया, जिनको स्टूडेंट्स देश का सर्वोच्च राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी जिनको नवाजा गया है। तो कुश्ती पहलवान, कुश्ती का क्षेत्र है इनका और ये झज्जर जिले के गांव खुड्डन से संबंधित हैं अभी बजरंग पूनिया। नेक्स्ट है यहाँ पे दो नदियाँ भी हैं, साहिबी और कृष्णावती, दोनों ही नदियाँ जो हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं, अरावली से दोनों प्रसिद्ध नदियाँ हैं झज्जर में आती हैं ये। नेक्स्ट देखें, एक हमें पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि भी सबसे अधिक जनसंख्या, वृद्धि गुड़गांव की है 73.96%, लेकिन सबसे कम किसकी है? झज्जर की है। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा में गुड़गांव की है, तो सबसे कम झज्जर की है। ये अलग चीज है कि भाई अधिक जनसंख्या आ जाए तो स्टूडेंट्स आपका फरीदाबाद है, फरीदाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या है, सबसे अधिक जनघनत्व भी हरियाणा में फरीदाबाद में है। दोनों ही चीज़ें जो हैं फरीदाबाद में है, अधिक जनसंख्या भी फरीदाबाद में है और अधिक जनघनत्व भी फरीदाबाद में है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो है वो गुड़गांव की है और सबसे कम किसकी है? झज्जर की है। ये पर्सन पूछ ले कितनी है, तो 73.93% ये लगभग राउंड फिगर में आपको डेटा मिलेगा, 73 या 74% ये वृद्धि दर इसकी रही है। नेक्स्ट है, इसके बाद में देखिए भाई यहाँ पर स्टूडेंट्स, हरियाणा में एकमात्र घोड़ों का मेला, घोड़ों और गधों का मेला लगता है, वो कहाँ लगता है? वो बेरी में लगता है। बेरी से संबंधित 2-3 पॉइंट हम पहले वाली वीडियो में भी बता चुके हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री होते थे, वो बेरी से ही संबंधित थे। बेरी को धनाढ्यों की नगरी भी कहते हैं और बेरी में माता भीमेश्वरी मंदिर भी स्थित था, जहाँ पर नवरात्रों के समय में वर्ष में 2 बार मेला लगता है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और निकल आया कि यहाँ घोड़ों का मेला भी बेरी में लगता है। नेक्स्ट जो झज्जर में स्थित है बहादुरगढ़, को स्टूडेंट्स झज्जर में जो बहादुरगढ़ स्थित है, इसको हरियाणा का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट देखें कुछ एक विशेष चीज़ें हैं, मत्स्य उत्कृष्टता केंद्र, बिसन झज्जर में स्थित है। नेक्स्ट पैनासोनिक टेक्नो पार्क झज्जर में स्थित है। नेक्स्ट जहां आराबाग स्टेडियम भी कहां पे है? झज्जर में है। प्रतापगढ़ फार्म, ये भी स्टूडेंट्स कहां पर है? झज्जर में है। प्रतापगढ़ फार्म झज्जर में स्थित है, स्कूली बच्चों के लिए मनोरंजन की एक अच्छी जगह है, काफ़ी कुछ संस्कृति एक्टिविटी यहां पर कल्चर से रिलेटेड दिखाया जाता है। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ फार्म हो गए, उसके बाद में उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी यंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, HSSC इस पर्सन को पूछ चुकी है, उत्तर भारत का पहला भूकंप मापीय यंत्र, ये भी कहाँ पे है स्टूडेंट्स? झज्जर में है। देखिए वर्बली बाप को बता देते हैं, भूकंप से रिलेटेड आपको परीक्षाओं में 3-4% सबसे ज़्यादा मिलते हैं। एक तो पहला जो है भूकंप से रिलेटेड वो है, इसको किस यंत्र से मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ। और इसका पैमाना कौन सा है? रिएक्टर स्केल। भूकंप का पैमाना रिएक्टर स्केल है, यंत्र सिस्मोग्राफ है जिसे भूकंप मापा जाता है। दूसरी पॉइंट, भूकंप में उद्भव केंद्र कौन सा होता है? जहां से भूकंप
आरंभ हो, उद्भव केंद्र, उद्भव केंद्र अभी केंद्र है जहां भूकंप का पहले पता चले। सबसे पहले पृथ्वी पर जहां पता चलता है वो होता है अभी केंद्र, जहां से चलता है पृथ्वी के अंदर से वो होता है उद्भव केंद्र, और रिएक्टर पैमाना होता है ये यंत्र। इस पे स्टूडेंट्स बता दें आपको, रिएक्टर पैमाने पर 0 से 9 तक अंक होते हैं, प्रश्न पूछा गया है। रिएक्टर पैमाने पर कितने से कितने तक अंक होते हैं, 0 से 9 तक अंक होते हैं, और एक अंक अपने से पिछले अंक का 10 गुना ज्यादा होता है। एक अंक यानी कि मान लिया कहीं पर रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6 है और कहीं पे 7 है, तो जहां 7 है उस जगह 6 की तुलना में 10 गुना ज्यादा भूकंप आया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 8-10 क्वेश्चन है ये यही पूछता है। और भूकंप मापीय जो यंत्र है वो झज्जर में स्थित है। एक कांच की मस्जिद दुजाना झज्जर में, एक छुड़ानी धाम, ये स्टूडेंट्स गरीबदास जो संत हुए हैं उनसे संबंधित है। झज्जर जिले में गांव छुड़ानी है, गरीबदास जो संत हुए हैं वो यहाँ काफ़ी फेमस रहे हैं, यहाँ पर भी मेला लगता है, बहुत भारी मेला लगता है। नेक्स्ट है भिंडावास व खप्पड़वास, भिंडावास जो है वो पक्षी विहार है और खप्पड़वास जो है वो पक्षी अभ्यारण्य है, और पक्षी अभ्यारण्य दोनों ही झज्जर जिले में स्थित हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका झज्जर का पार्ट 2। इसमें चर्चित व्यक्तियों के भी नामों की चर्चा की गई है, विशेष जो है झज्जर से उससे भी संबंधित चर्चा की गई है, इतिहास के बारे में भी देखा गया है। फिर भी पूर्णतः जो है स्टेटमेंट जानकारियां नहीं दी जाती, इसके अतिरिक्त भी कोई बुक्स हो, किताब हो, आप अलग अलग जगह से भी जानकारी जुटाने का प्रयास कीजिए। अच्छे से तैयार होकर के एग्जाम में जाइए, तब जाकर के आप एग्जाम फाइट करोगे। तो ये हमारा झज्जर का दूसरा पार्ट था स्टूडेंट्स। एक बार क्विक रिवीजन और देख लेते हैं। देखिए झज्जर में प्रसिद्ध 2 लड़ाइयाँ, एक तो जाटों और जॉर्ज थॉमस के बीच, दूसरा सिखों और मराठों के बीच, दोनों में जीत जॉर्ज थॉमस की। एक झज्जर में विश्व भर में प्रसिद्ध पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री है, और एक बहादुरगढ़ सिनेटरी उद्योग और फुटवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जॉर्ज थॉमस ने जहाजगढ़ जो झज्जर में स्थित है, झज्जर दादरी रोड के ऊपर स्थित है जहाजगढ़, तो जहाजगढ़ जो है वहाँ पर जॉर्ज थॉमस ने जहाजगढ़ को बसाया था, इसका नाम बाद में हुसैनगढ़ पड़ा। और दुजाना में काजी की मस्जिद है, कांच की मस्जिद है, ये प्रसिद्ध है स्टूडेंट्स। मत्स्य उत्कृष्टता केंद्र बिशनगांव झज्जर में ही स्थित है, मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र झज्जर में ही स्थित है। अरावली सुपर ताप विद्युत परियोजना, जिसको इंदिरा गांधी ताप विद्युत परियोजना के नाम से जानते हैं। देखिए हरियाणा की 2 मिस इंडिया बनी है, एक दोनों झज्जर से, एक तो कनिष्का शर्मा 2011, एक मानुषी छिल्लर 2017। उसके बाद में जगत जाखड़ अभिनेता हैं, चंद्रावल बोथ, इनकी प्रसिद्ध मशहूर फिल्म रही थी, पहली फिल्म पूछ ले बताना है धरती, पहली थोड़ी सी चलने वाली फिल्म पूछ ले हरफुल सिंह जाट जुलानी, और पहली सबसे अधिक चलने वाली फिल्म पूछ ले तो चंद्रावल। नेक्स्ट देखें साहिबी और कृष्णावती नदी। नेक्स्ट है भाई आपका निशानेबाज स्टूडेंट्स मनु भाकर, काफ़ी कम उम्र में इन्होंने काफ़ी जो है अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं, और ये झज्जर के गांव गोरिया से यह संबंधित हैं, गोरिया झज्जर जिले में स्थित हैं मनु भाकर। इन्होंने काफ़ी कम उम्र में निशानेबाजी के क्षेत्र में काफ़ी अधिक उपलब्धियां हासिल की हैं। नेक्स्ट है भाई प्रमुख नदी साहिबी और कृष्णावती, सबसे अधिक जनसंख्या वाला गुड़गांव है, कम झज्जर है बता दिया था, अधिक जनसंख्या वाला फरीदाबाद है, कम जनसंख्या वाला, यदि कम जनसंख्या वाला पूछ ले तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर 2011 के अकॉर्डिंग पूछे तो हम बताएंगे पंचकुला, और एट प्रेजेंट पूछे तो हम बताएंगे चरखी दादरी, ये ध्यान रखना है। हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या कम है 2011 के अनुसार पंचकुला, क्योंकि 2011 में चरखी दादरी था ही नहीं। वर्तमान में हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है तो चरखी दादरी, लगभग एक राउंड फिगर में इनकी जनसंख्या में 40-45 हजार का अंतर है। चरखी दादरी की जनसंख्या 5,20,000 समथिंग, जबकि पंचकुला की 5,62,000 समथिंग जनसंख्या मानी जाती है। तो वर्तमान में जनसंख्या में सबसे छोटा चरखी दादरी है, और भाई 2011 के अकॉर्डिंग जो हो पंचकुला है। ये इस तरह से पैनासोनिक टेक्नोपार्क झज्जर में है पता है, जहां आराबाग स्टेडियम,
इसके बाद में भी आपका भूकंप मापी यंत्र जो है उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी यंत्र झज्जर में है। नेक्स्ट छुडानी धाम बाबा गरीबदास के लिए प्रसिद्ध है। भिंडावास खपड़वास कर्मश्य पक्षी विहार। तो ये था भाई आपका झज्जर से संबंधित कुछ एक आंकड़े। यदि स्टूडेंट्स वीडियो आपको पसंद आया है, आपको लगे कि यहाँ से मेरे को ज़रूर क्वेश्चन पेपर में एक ना एक दो प्रश्न ज़रूर मिलेंगे, तो स्टूडेंट्स सागर क्लासेज रोहतक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इतने काफ़ी कम समय में, एक लगभग महीने भर में आपने स्टूडेंट्स जो स्नेह दर्शाया है, इतने जल्दी से सब्सक्राइबर बने हैं, इतने बच्चे वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। तो स्नेह को बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और रब कॉपी साफ कॉपी पेन वगैरह लेके लीड लगा के कानों में अच्छे से नोट्स बनाते चलिए भाई। तब जाकर के देखिए, खुद मात्र वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप खुद करोगे तब जाकर के सफलता मिलेगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हरियाणा।